हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपका डी फॉर्म है उसका सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी में जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना कंटेंट लिखना है, कितना शॉर्ट में पूछता है, कितना लॉन्ग में पूछता है, तो इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सिलेबस हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। और जिसको अगर ये वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो बंद करके कुछ और चला सकता है, लेकिन जो निगेटिव कमेंट होता है, अगर कोई भी निगेटिव कमेंट करता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप कमेंट करें, अगर ना अच्छी लगे तो आप कुछ और भी देख सकते हैं और अदर वीडियोज़ भी पढ़ सकते हैं, जिनको मेरी वीडियोज़ जो है मतलब थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है जिससे आपको गाइड कर सकें, मतलब आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो हो नहीं सकता, ना डायरेक्टली बात हो सकती है डेली, तो वीडियो के माध्यम से आपके लिए मतलब बता रहे हैं कि आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हार्ड हैं, तो इन सब बातों के बारे में बात करनी है। और बस इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो बनाने के साथ साथ में हम आपको इंपॉर्टेंट भी बताते चलेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर वाले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब शॉर्ट नोट ऑन डाइटरी फाइबर, ऐसे पूछ लेगा शॉर्ट नोट ऑन डाइटरी फाइबर, तो आप क्या लिखेंगे, मतलब डाइटरी फाइबर के बारे में दोस्तों हमने काफ़ी कंटेंट लिखाया है, मतलब शॉर्ट में ही पूछेगा, तो मतलब आपको शॉर्ट में डिफाइन कर देना है, तो एक आपका हो गया डाइटरी फाइबर। और देखिए दोस्तों, ये भी आपने सुना होगा पहले से ही नाम, शॉर्ट नोट ऑन ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो आपने कभी कभी किसी को बातें करते देखा होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो इसके यूज़ हमने बहुत इजीली लिखे हुए हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में इनका यूज़ किया जाता है, एबनॉर्मल जो हार्ट रिदम होती है उसको ठीक करने में इनका यूज़ किया जाता है, ब्लड क्लोट को प्रिवेंट करने में इनका यूज़ किया जाता है, हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको ठीक करने में इनका यूज़ किया जाता है, जो मतलब आपका होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और उसके बाद ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मतलब आपका मतलब सब्सटेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, डाइटरी सब्सटेंस होता है, इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। डाइटरी फाइबर पढ़ना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पढ़ना है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ये वाला पढ़ना है, शॉर्ट नोट ऑन एंटी ऑक्सीडेंट, तो ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस जिनका यूज़ सेल की ग्रोथ करने और सेल को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, नॉर्मल से आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना है, आप 3 टॉपिक को चाहे ना पढ़ें लेकिन इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, अगर आपका इसमें नहीं पूछेगा कोग्नोसी में तो आपका सोशल फार्मेसी में पूछ लेता है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेता है घुमा फिरा के। तो शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स, कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, तो दोस्तों उनके बारे में डिफाइन करना होगा, वह सब्सटेंस जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा जाता है। और दोस्तों, तो इसमें जो लिखा हुआ है 1989 में जो आपके सेप्टफेन थे, उन्होंने सेप्टफेन डेफलिका थे, उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल टर्म की खोज की थी, स्टेफन यहाँ पर लिखा हुआ स्टेफन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्टेफन डेफलिका थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और अदर हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के अंदर। तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं डी फॉर्म, मतलब डी फॉर्म इतना पढ़ना होता है कि आपको मतलब टॉपिक की नॉलेज होना चाहिए, जब आपको मतलब यानी डीप नॉलेज चाहिए तब आप बी फॉर्म जब करेंगे तो आपको वहाँ पर हर टॉपिक की डीप नॉलेज मिलेगी। और डी फॉर्म का मतलब होता है कि आपको मतलब जो है यानी 2 साल में मतलब जितने टॉपिक होते हैं उनकी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाए और आपके अंदर थोड़ा सा स्किल डेवलप किया जाए। तो शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल जरूर पढ़ लें। तो इतने टॉपिक हैं आपको चैप्टर नंबर 9 फार्माकोग्नोसी में, इतना टॉपिक पढ़ना है, जितना कंटेंट हमने लिखा है उतना एग्जाम के अंदर अगर आप लिख कर आएंगे तो शॉर्ट में आपको अच्छा नंबर मिलेगा, जितना हमने लॉन्ग में लिखा है उतना अगर आप लिख के आएंगे तो लॉन्ग में भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करना और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना।